मंडी में पहले क्या मजा आता था यार, अभी देखो आप लोग सब ऐसे परेशान हो, ऐसा लग रहा है मैयत पड़ी हुई है कोई। बिल्कुल, इसको मैं एक टांग बता सकता हूँ। उठाओ। अभी नहीं, ये रात को 12 बजे के बाद उठती है। पिछले साल तक गाय कुर्बान होती थी, अब हम खुद कुर्बान हो रहे हैं। अगर हम गाय लेने जा रहे हैं तो मोबाइल छिन रहा है, पैसे छिन रहे हैं, वापसी में गाय भी छिन जाए। बड़ा बछड़ा आ गया, दिखाओ दिखाओ। इसी तरीके से जो भी मंडी आए आके ये कहे कि गाय लगी है। नहीं मतलब मतलब नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं है, ये मतलब चोट लगी। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर, खैरियत है? अभी ले ली है, लेनी है? हम अभी देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई, बहुत ज्यादा महंगाई है। मैंने तो बकरा लिया है, खैर फिलहाल के लिए 2 बकरे लिए हैं, माशाल्लाह से मतलब मिल चुके हैं, अच्छे रेट में मिल गए। कितने मिली है? 46 में 2 लिए। कितने जानवर लेकर आए हो? मैं लेके आया हूँ भाई, अभी तो फिलहाल 23 है। 23 जानवर आप लेकर आए थे, उसमें से कितने बिक गए? 3 बिक गए। वो रेट इतने ऊपर मांग रहे हैं, क्या करूँ मैं उसके। अब ये सामने आपके जानवर खड़ा हुआ है, व्हाइट वाला। हाँ व्हाइट वाला, 4 मन का है ये, इसके 2.60 फाइनल कर रहे हैं। भाई क्या मांग रहे हो उसके? गाले हो भाई, 3.5। अभी 3 मांग रहे थे, लाइट पड़ते ही 3.5। नहीं पहले उससे भाई से पूछो, 3.5। कसम खा के बोल। हाँ कसम, अल्लाह की कसम खाओ। अल्लाह की कसम खा के बोल, मस्जिद में चले। क्या रेंज है आपकी? रेंज यही होगी 150-160 इस तरह का, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा इन्होंने रेट कितने ऐसे बुरे किए हैं। और घर में आप बोलकर आए हुए कि मैं नस्ली जानवर लेकर आ रहा हूँ। जानवर लेकर आऊँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1.5 लाख में तो बकरी आएगी। बकरी आएगी, कोई लूसी जानवर मिल रहा है 1.5 लाख के साथ? अब ये मेन पॉइंट ये है कि इन लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए भी महंगाई है यार, हमारे लिए भी महंगाई है। कुछ ना कुछ तो बराबरी वाली इनको भी बात करनी पड़ेगी ना। अब वो देखें 1,08,000 रुपये का फर्क पे बैठा हुआ, क्या बोलूँ मैं उसको। और जानवर भी वो 5 मन का बता रहा है और ये है 3.5-4 मन। बात करें उससे, कर लें आज। तो आप माशाल्लाह से इतना पैसा लगा कर आए हो कराची जानवर बेचने के लिए, आवाम आ नहीं रही है खरीदने के लिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नसीब की बात है। और क्या, मैं अगर 1 लाख रुपए लगाता, 1,05,000 बोलता तो बुरा मानने वाली उनकी बात बनती भी, लेकिन वो इसी पे बुरा मान गया। मैं क्या आगे बहस करने का फायदा क्या है इनसे, ऐसे हुए हैं जैसे पता नहीं क्या चीज़ बेच रहे हैं, सोने के जानवर हैं। पैसे इसने ज्यादा लगाए उसके, 1,52,000 रुपए ज्यादा लगा। उससे बात ही नहीं करनी तो उसकी हटानी थी, तो 60,000 क्या क्या हटाते। आप गाय बेचने आए हैं यहाँ पे? नहीं हम 6 बेचने आए हैं, 6 बेच रहे। मतलब आपको गाय वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपनी चाय बेचनी? हाँ 6 बेचना। 2 दांत है। अच्छा 3.5 मांग रहे हो, कहाँ तक छोड़ दोगे इसको? हम लोग 3.30 थे। 3.30 में छोड़ दोगे? मैंने 2 दांत नहीं, 4 दांत है ये। 4 अभी हुआ है ये, अभी यहीं खड़े खड़े हुआ है? नहीं नहीं, तकरीबन 1 माह हुआ है। अगर कोई लड़की आती है, वो कुछ कमा नहीं रही, उसने पैसे जमा फिर भी कर लिए हैं, और वो आपसे कहती है कि मेरे पास सिर्फ 2.5 लाख रुपये, आप दे दोगे? 2.5 लाख रुपये नहीं दे सकते। और अगर वो 3 लाख रुपये दे? 3.30 तक छोड़ देंगे। और अगर वो 3.25 दे? छोड़ देंगे। 5 छोड़ दोगे? कहीं और वसूल कर लेंगे, कहीं और निकाल लेंगे। क्या कुर्बानी करनी है इस बार? क्यों नहीं करना है, कुर्बानी कर रहे हैं। क्या काटोगे? जानवर। जानवर काटोगे? कौन सा? ये दूध वाला। ये दूध वाला जानवर? 6,000 में 2 बकरे ले लिए? सच में? सच में, हकीकत पिक्चर भी है। क्या चोरी के? नहीं नहीं, बकायदा खरीदे। आपका जानवर कभी मरा है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं मरा, माशाल्लाह। लेकिन गांव में नहीं मरा कभी, बड़े भी मेरा माशाल्लाह। ये असल में बताऊं क्या होता है, ये होता है उस्ताद। हाँ। जैसे उस्ताद बाइक अच्छी बनाए तो मैकेनिक जो होता है बाइक अच्छी चलती है। नॉर्दर्न बाईपास पे जो मंडी लगी है, वहाँ के मैंने 7 ट्रिप करे हुए, वहाँ से भी खाली आता है। सिर्फ 1 जानवर लिया है 4,52,000 रुपये का। मैं टोटल 3-4 जानवरों की कुर्बानी करता हूँ, वहाँ से सिर्फ 1 जानवर लिया है। यहाँ से भी मैं खाली हाथ जाऊँगा, ये मुझे गारंटी पता है, मुझे अपने ऊपर भी भरोसा है कि मेरा यहाँ सौदा बनेगा नहीं। अगर नहीं बिकते तो फिर क्या करते हो भाई? बेच के जाते हैं, इधर घर करके जाते हैं। अच्छा 2 दांत का लेते हो, 4 दांत का? नहीं 2 जवान। 2 जवान? अच्छा 2 दांत का जो जानवर होता है वो जवान होता है? हाँ बिल्कुल जवान होता है। हाँ उसका गोश्त भी अच्छा होगा? गोश्त मीठा होता है ना उसका। 2 दांत के जानवर का गोश्त मीठा होता है? ये हमारा साइड बिजनेस है यानी। वैसे क्या करते हो? वैसे मैं फील्ड इंजीनियर हूँ अपना, इसमें सरसों में। आप इंजीनियर हो? जी बिल्कुल, फील्ड इंजीनियर हूँ मैं सरसों को। चाय पिला बोतल? नहीं नहीं, अगर ये जानवर को तुम 2 टांगों पर उठा सकते हो तो उठा के दिखाओ। इसको मैं 1 टांग बता सकता हूँ? उठाओ। अभी नहीं, ये रात को 12 बजे के बाद उठती है। अभी इसका जो है ना, वो कौन सी टांग है? ये एक ही टांग उठाएगा।
पांचवी टांग की बात तो नहीं कर रहे यार, ये एक उठाता है, इन चारों में से एक टांग उठाए, एक उठाएगा, रात का 12 बजे आना, हाथ देना, तुम्हारे को सलाम करेगा। अभी तुमने ये बता दिया है कि मैं 3 से 4 जानवर की कुर्बानी करता हूँ और एक तुम लेकर आ गए 4,20,000 रुपए का। अभी तुम अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो, रिश्ते भरपूर आने वाले हैं, ये लड़का पैसे वाला है। इंस्टाग्राम आईडी वही है, मुकेश जफर के नाम से। इंजीनियरिंग करने के बाद आप गाय बेच रहे हो? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा है। पैसा ज्यादा है, मेरा हाथ का बच्चा है। क्या घर में पाला है इसको? और नहीं तो क्या, कोई अभी मेरा अपना भाड़ा है। पिछले साल तक गाय कुर्बान होती थी, अब हम खुद कुर्बान हो रहे हैं। अगर हम गायें लेने जा रहे हैं तो मोबाइल छिन रहा है, पैसे छिन रहे हैं, वापसी में गायें भी छिन जाती है, गाड़ी भी छिन रही है, सब कुछ ही छिन रहा है। सिर्फ एक इज्जत रह गई है, वही बची हुई है अभी तक। मेरे ख्याल से वो भी छिन जाए। मतलब आप ये कह रहे हो घर का पलावा है? अभी मैं इसको छोड़ू, ये भागे, फिर बोल भागे। और किसी का? और खाना क्या खाता है? घर का खाना खा लेता है? हाँ, रोटी खिलाओ, खाएगा। ये थैली वगैरह नहीं खाएगा? खाएगा। भूख लगी जोरों की भूख लगी। लड़का पैसे वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, गुरूर नहीं किया कभी। जो बच्ची आएगी इस घर के अंदर, इंशाल्लाह गोश्त खाएगी। इंशाल्लाह दबा के गोश्त खाएगी। और आप भी खाएंगे? इंशाल्लाह हम भी खाएंगे। अब हम क्या खाएंगे? ये आप गोश्त खाएंगे गाय का, गलत बात नहीं। अच्छा, पिछले साल जानवर कम था, इस बार जानवर ज्यादा है, इंसान कम है खरीदने वाला। महंगाई की वजह से बहुत खतरनाक मंडी चल रही है। आप यहाँ पे आओ तो आप आधे से भी 10-20,000 रुपए कम लगाओ, ताकि उन लोगों के रेट खुले और जानवर को छोड़ के नहीं जाओ, रेट लगा के जाओ। असल में महंगाई बहुत हो गई है, नौजवान के चेहरों से रौनक उड़ गई है। पहले ये मुल्क में मंडी में पहले क्या मजा आता था यार, अभी देखो आप लोग सब ऐसे परेशान हो, ऐसा लग रहा है मैयत पड़ी हुई है कोई। बिल्कुल, सफूरा चौरंगी से उल्टे हाथ पे ये मंडी लगी हुई। हाँ बिल्कुल, रंजस चौकी के पीछे। बिल्कुल, मंडी का नाम क्या है यार? मंडी का नाम तो पता नहीं मेरे को। डायमंड मंडी? हाँ, सफूरा ही मंडी है। सफूरा ही मंडी है, सफूरा ही मंडी है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जानवर की वैल्यू गिराओ? जानवर की वैल्यू गिराओ। जैसे गाड़ी देखने जाते हैं, वो अलग से तो गिर जाती है। हाँ, उसको देखते ही, उसका बोनट खोलते ही बोल देते हैं उफ अल्लाह, वो बंदा परेशान हो जाता है कि लो भैया अंदर पेंट तो नहीं हुआ। हाँ, और जानी गाड़ी लगी हुई, गाड़ी लगी। इसी तरीके से जो भी मंडी आए, आके ये कहे कि गाय लगी हुई। नहीं मतलब, मतलब नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, ये मतलब चोट लगी।